ये है स्टेशन वाला रोड, मतलब बिहार शरीफ का स्टेशन वाला रोड है। गाय कुछ दूर पे ही यहाँ से बिहार शरीफ स्टेशन है, जंक्शन है। और भाई यहाँ तो कोई रूल ही नहीं है, मतलब जहाँ तहाँ गाड़ी मोड़ लो, किसी को देखो नहीं, बहुत चेकिंग है। अरे बाबा, ये बिहार शरीफ के स्टेशन के पास धांसू चेकिंग है। और ये देख लो बस, बढ़ाइए भैया। स्टार्ट होती है मेन हाईवे, नई नई हाईवे बनी है, नहीं तो पहले ये सिंगल लेन था, फोर लेन, मतलब डबल लेन हो गया, सॉरी। और वो क्या मक्खन के जैसा रोड है। नालंदा स्टेशन इधर से ही चला जाता है, मतलब नालंदा छोटा सा स्टेशन है, जंक्शन नहीं है। उसके बाद बड़ा स्टेशन आता है शिलाओ, फिर राजगीर, विश्व शांति स्तूप राजगीर 17 किलोमीटर, जैन मंदिर राजगीर 16 किलोमीटर, और रेंट्स ऑफ नालंदा 2.5 किलोमीटर। पटना में जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है वो यहीं पे बन रहा है, नालंदा में ही, वो भी बहुत बड़ा बन रहा है। तो कभी टाइम मिले तो उसके पीछे ब्लॉग बनाया जाएगा। तो अभी सुबह का टाइम है तो एक चाय की चुस्की लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। कि पहले नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुआ करता था। हेलो भाई छोड़िए, जय माता दी बोली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टैंक। मैं हूँ अंकित, और मैं हूँ नालंदा में। एक जैन स्वतंबर टेम्पल है वहाँ पे, मतलब जैन मंदिर है यहाँ पे। तो आइए चलते हैं यहाँ के बाबा से, इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। जय माता दी। मंदिर के अंदर कैमरा लाओ नहीं है तो यहाँ पे बाबा है, बाबा से जानते हैं इस मंदिर के बारे में। हाँ तो बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ नीरज कुमार पांडे। ये ऋषभ देव भगवान, ये सितंबर जैन मंदिर है, ये संस्था से जुड़ी हुई है। यहाँ भगवान आदित्यनाथ की प्रतिमा है, सो शांतिनाथ है, आदित्यनाथ, शांतिनाथ, महावीर स्वामी, आदिश्वर स्वामी, और ये पारसनाथ की काली प्रतिमा है, कसौटी पत्थर की। ये 250 वर्ष पुरानी पत्थर की मूर्ति है। यहाँ जैन लोग आते हैं और सनातन धर्म के भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के यहाँ। ऐसा अलौकिक प्रतिमाएं हैं कि यहाँ पर जो ये प्रतिमा है, ऐसा प्रतिमा कहीं पे नहीं है। इनके माथे पे ऋषभदेव भगवान आदित्यनाथ के माथे पे माता मरु देवी हैं। यहाँ 14 चतुर्मास हुआ था, ये गौतम स्वामी का जगह है, गुरु गौतम स्वामी का जन्म भूमि है। यहाँ 14 चतुर्मास हुआ था, 1, 7, 9 और बाकी 11 राजगीर में हुआ था। यहाँ का यह विशेषता है। तो ये थे यहाँ के बाबा। तो ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। जय माता दी।